गाइस, आई एम सुमित रस्तोगी एंड बैक विद अ न्यू व्लॉग वीडियो। जैसे कि अब आप ग्लव एंड ब्लैक कपड़े देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि मैं कहीं निकल रहा हूँ। तो हाँ, हम निकल रहे हैं। हम एक्चुअली इसलिए क्योंकि है ना, मैं कुछ 8 या 7 लोग हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं एक लॉन्ग राइड के लिए और ऊपर से एक पार्टी के लिए, जो कि परसों है होली, तो हम आज कल में मनाने वाले। तो चलो चलते हैं एंड मिलते हैं एंड सबको बारे में आपको बताते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो। होली के साथ पूरा यूं रख दिया हूँ, मुझे हिसाब से ना कुछ ऐसा था नहीं लेने जैसा। हाड़ वाला गर्मी लग रहा है। मोटू चलो, ये डॉग बॉक्स में लिमिट है, 3 kg ही रख सकते हैं। बाकी के सब लोग पता नहीं मुर्दे कहाँ हैं, कहाँ नहीं। मैं एक बार फोन करना ही बने। वो लोगों ने बोला कि गली के बाहर खड़े, यानी कि क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है हर बार की तरह, मैं वो फोन करना ही पड़ेगा। बताओ, वो लोग पहुँच भी गए हैं, मतलब आगे खड़े हैं। चले चले। गाड़ी तो बंद कर ले। हाँ, दो ही टाके मार रहा था तो 4 के लिए टाइम ही नहीं था ना हमारे पास। वो क्या 4 मारा था, ये हिलता नहीं, बिल्कुल नहीं हिलता। ले ले तू। हाँ अभी तो और लेट होगा, टेंशन ना। चाबी अंदर खाली करना है भाई, डब्बा खोलने को सिखा। लाओ सिखाते हैं। बताऊं। बोलो यहाँ पे ना, जो नेचर है ना भाई, कसम से ये है नेचर। अभी आपको दिखाता हूँ, अभी एक्चुअली क्या है कि मैं गोरा दिख रहा हूँ, अभी आपको नेचर दिखाता हूँ रियल वाला। वाइस बे रियल वाला, देखो कितना सेक्सी दिख रहा है। एंड मेरे पीछे मून, जो कि ये अच्छा लग रहा है उससे। तो ये देखो आगे सबके सब अपने, आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो। एंड बाजू वाले में भी पार्टी साड़ी चल रही है गाइस, ऐसा है। तो हम खा चुके हैं, हमारा स्विमिंग पूल भी इधर ही किधर है, जो कि हम करने वाले थोड़ा जलसा। अभी नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे बाद में, ये रहा यहाँ पे, तो हम रेस्ट करेंगे तो ही। ओके, पहले मैंने एक वीडियो फोटो ले लेता हूँ, एक फोटो, मेरे को फोटो चाहिए। जैसे कि बता दो, यहाँ पे सब पानी में डूब मर रहे हैं, क्योंकि इनको पानी में डूब मरने का शौक है और मुझे भी, तो मैं भी पानी में डूब के आ गया हूँ, फोन चुका लिया हूँ। और तो और देख सकते हो, ये रहे अपने हर्ष भाई, जो अपने घर पे फोन कर बता रहे कि हाँ मैं आ चुका हूँ। ये रहे अपने यश भाई बता रहे कि हाँ मैं घर पे हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। और मैं भी कुछ दिखाना चाहता हूँ नंगे पुंगे इंसानों को, जो कि पूरे ऊपर नहीं चड्डी में खड़े नहीं है। देखो ये हर्ष भाई अपने, और यहाँ पे ये दो ये है चलता फिरता लाश। जैसे कि मैं अभी बताना भूल गया कि यहाँ पे ना चारों तरफ हर जगह फार्म हाउस है, मतलब सेम टू सेम बहुत सारा अलग अलग चीजें हैं, मतलब सेम डिजाइन है। आपको मैं दिखाया था और फिर से दिखाऊंगा टेरेस पे जाके, बट अभी नहीं, इन दिस मॉर्निंग में है ना। और यहाँ पे खाना वाना सब बनने वाला है, ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ है, ऊपर वाले रूम में एसी ओसी सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर। हाँ तो जैसे कि ये रहा, देख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ एक्चुअली ये फार्म हाउस है। हाँ, ऐसा हो तो मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ, जो कि चलो चलते हैं। ओके पर अभी नहीं जाऊँगा मैं, बाद में दिखाऊँगा आपको, ठीक है? ओके ना, ये वाला मैंने चेक नहीं किया है क्या है क्या नहीं, तो अभी चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से आउटडोर है ये एक्चुअली है ना, गैलरी टाइप का है ये भी, आपको मॉडलिंग में दिखाऊंगा।
ऐसा है। इसे पहले The next morning. Good morning. Good evening. तब कल हमने खाया पिया एंजॉय किया फिर फुल नाइट स्विमिंग किए हाथ पैर सबके हिले थे इसलिए हम लोग है ना वीडियो नहीं बना पाए तो अभी उठा हूँ मैं उठ के चाय नाश्ता किया है फिर सब नहा रहे हम भी जाते हैं थोड़ी देर में नहाने धोने है ना आपको दिखाता हूँ वो लोग कैसे नहा रहे आओ बाहर साइड दिखाते हैं मैं डायरेक्टली है ना उल्टा का क्या दिखाता हूँ आपको मतलब फ्रंट कैमरा से आपको अभी दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है आ जाओ आ जाओ इधर से कूद जाऊं कूदूंगा कूदूंगा क्या अच्छा डाइव का ये डाइव क्या होता है ले ये पानी इस तरह से ना सबके सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ बैठा हूँ समझो वो वाला घर है ना तो उस वाले घर के मतलब जो बाड़ी दिख रही है ना यहाँ से ये वाला ऐसा बाड़ी वहाँ पे इधर ऐसे ही बैठा हूँ पर उनके में क्या है ग्रिल लगा हुआ हमारे में क्या है कि ओपन नहीं है वही ओके तो खाएंगे हम बाद में देखते हैं क्या खाएंगे मेरे हिसाब से लोग बोल रहे थे मैगी खाने के लिए तो कोई नहीं हम मैगी खाएंगे हमारी गाड़ी भी है ना पूरी पार्किंग में लगी हुई है और अभी आपको ना मैं यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ जो कि है ना थोड़ा अच्छा है तो उसके लिए क्या है हमको है ना छत पे चलना पड़ेगा और वहाँ जाके हम थोड़ा दिखाते हैं आपको आजू बाजू के नज़ारे क्योंकि वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं तो होता है ठीक है गर्मी हो जाएगी ना तो नहाने का अलग ही मज़ा आएगा ठीक है तो भाई चलो आपको देखते हैं ये देखो तैरने सीख रहे लोग सिखा रहे पैर मार दिया आप लोग को ये भी मेरी खाना बाकी रह गया जो कि आएगा कमरे और वो सब तो एसी तो हर एक उसमें है ठीक है ये हमारा बिस्तर क्योंकि सही था अभी कुछ मैं सोया हुआ था इसलिए थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि है ना मस्ती अलग ही है और नीचे भी रखा गया था सोने के लिए तो लोग है ना नीचे भी सो रहे थे दो जन ऊपर चार जन और तीन जन नीचे क्योंकि है ना वो लोग को बहुत तगड़ी नींद आ रही थी और मैं और हम तीन जन हाँ नहीं चार जन एक्चुअली एक बंदा था पर वो फोन चला रहा था साइड में जाके हम चार जन जगे हुए थे और एक यहाँ पे ठीक है ऐसा है और यहाँ बाथरूम आपको बताते हो बाथरूम ठीक है और यहाँ पे कल नाइट में हम बैठ के खाना पीना और मस्ती यहाँ पे भी कर रहे थे और नीचे भी कर रहे थे पर लास्ट में जब सब सो गए ना तो हम लोग यहाँ पे आके नाश्ता करने लग गए ठीक है चलते हैं अभी बाहर और वहाँ पे आपको थोड़ा एक काम करता हूँ मैं हर्ष का फ़ोन लेके आता हूँ क्योंकि ये ना मेरे को वाइड एंगल वीडियो एक चाहिए अच्छा वाला तो मेरे फ़ोन में वाइड एंगल अवेलेबल नहीं है लेके आ चुका हूँ फ़ोन चालू ही रख रहा हूँ क्योंकि ये ना पासपोर्ट मुझे नहीं मालूम है ठीक है और यहाँ से आपको छोड़ो यहाँ से नहीं दिखेगा चलते डायरेक्टली हम थोड़ा ऊपर टेरेस पे
और वहां पे जाके है ना अलग से एक दो वीडियो बनाते, ठीक है। अभी ऊपर जाते, ऊपर है ना सही रहेगा, और बाजू में भी है तो अभी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सब वेयर हाउस है ना सेम है, ठीक है, सेम है सारे के सारे एक जैसे। ये भी आपको दिखाता है, और यहाँ पे भी कुछ लोग अपने मौज मस्ती में लगे हुए, तो हम उनके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि है ना ये वीडियो में कुछ इलीगल टाइप का आया था, मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे नहीं, एक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा उनको। हाँ, सेम टू सेम ये रहा यहाँ पे, और मैं अब यहाँ से जहाँ पे हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से ये लोग का है ना वाइड एंगल वीडियो शूट करता हूँ और आपको दिखाया। वेयर हाउस सब कुछ सेम है, पर हम है सबसे लास्ट वाले में, जहाँ से थोड़ा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी व्यू आ रहा है, जो कि देख सकते हो पूरा एकदम खेती खेत है, मज़ा आ रहा है। अभी वीडियो निकालते, ठीक है। ओके गाइस, एवरीवन एंजॉय, एंड मैं भी चला स्विमिंग करने। फ़ोन को रखना पड़ेगा, बिकॉज फ़ोन लेके जा नहीं सकता, क्योंकि है ना पानी में ऑलरेडी प्रॉब्लम आई, ओके ना। एंड हमारी गाड़ियाँ कुछ यहाँ पार्किंग है, जो कि ये रहा गेट के सामने ही डायरेक्टली, और यहाँ पे ना मज़ा ही मतलब थोड़ा अलग है, बहुत सारे यहाँ पे फार्म हाउस बने हुए, तो अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी वाली बात हमारे लिए ये है कि है ना हम को आउटसाइड मिला, मतलब बाहर के नज़ारे कुछ देखने वोखने का ऐसा वाला मिला है, तो हम थोड़ा वो भी मतलब इंजॉय कर रहे हैं। आया तो ये मेरे जूते का हालत देख रहे हो, ये हटाओ कॉफ़ी वॉफी। ये एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि मैं साइलेंसर बंद करने की कोशिश कर रहा था पैर से, और होलो का साइलेंसर इतना ख़राब था कि पूरा जूते की जला दी, जैसे मैं वो गरम लगा कि क्या गरम गरम लग रहा है, तो देखा तो गया, वैसे खाली कपड़ा ही था। मेन चीज़ तो ये है, ये बचा के रखा है। रियली बहुत मज़ा आया, मतलब पानी तो ऐसा कि भाई सुबह उठो तो नहाओ, शाम उठो तो नहाओ, नहाते ही रह जाओ ऐसा, और नहाते नहाते ना सबका मन भर चुका है, तो सब घर पे अगर आइडली सोने वाले, बिकॉज इतना ज़्यादा सबके सब थक गए हैं कि क्या बताऊँ, और सब में से मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ओके ना। तो बात वहाँ जहाँ मेरी हेलमेट हो, किसी और की हेलमेट में चलाने का मज़ा नहीं आता कसम से, मजबूरी हो तो बात अलग है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि ब्रो प्लीज़ गिव मी योर हेलमेट एंड टेक अप माई हेलमेट, तो बात थोड़ी अलग होती है, समझ रहे हो। हेलमेट में अलग ही लगता हूँ मैं, पर मेरा है ना, हाँ ये मुँह है ना पूरा दबा जाता है, अलग ही लगता है।